और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को घटना से जुड़ा ज्ञापन सौंपेंगे प्रतिनिधिमंडल। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी और गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा मामला जो है वो अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इसी को लेकर कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। 7 सदस्य जो हैं ये मुलाकात के लिए जाएंगे, और आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आशीष को शनिवार को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरह से ये ताजा अपडेट आया लखीमपुर खीरी घटना पर कि अब राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, और इस दौरान जो राहुल गांधी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और प्रियंका गांधी जिन्हें की हिरासत में लिया गया था वो भी इसमें शामिल हैं, आपसे पूरा अपडेट चाहेंगे इसको लेकर। पूजा, 1 सप्ताह पहले जब प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी की तरफ कूच किया प्रियंका गांधी ने, और उनको सीतापुर जेल में अरेस्ट करके शांति भंग करने के आरोप में सरकार ने बंदी बनाया, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन अपनी तलाशने की रणनीति बनाई, तभी से कयास लगाए जाए, तभी से प्रयास चल रहे थे कि राष्ट्रपति के सामने इस मसले को रखा जाए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा गृह राज्य मंत्री हैं जिनका बेटा आरोपी है इसमें टैनी, हालांकि वो पुलिस की हिरासत में इस समय 3 दिन के रिमांड पर भी है, और पुलिस इस पर ये जानने का प्रयास कर रही है उनसे कि क्या क्या वो किस तरीके से ये घटना हुई और इस घटना के बाद उनका क्या मोनोपोली रही इसको देखकर। लेकिन उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति के सामने इसको रखा जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का समय मिलने के बाद आज सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 11:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है, और 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के, उसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जिस तरीके जो आपने नाम लिए, अधीर रंजन चौधरी, ये सारे लोग उसमें शामिल होंगे, और ले जाकर अभी तक का अपडेट, अपनी जो इंटरनल एक रिपोर्ट है जो उन्होंने इस पे तैयार किया, उसका एक बताया जाता है कि 4 पन्ने का एक ज्ञापन है जिसमें इस घटना का पूरा जिक्र किया गया है, और उसको राष्ट्रपति को सौंप के और उस गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करेंगे कांग्रेसी। जी राजकुमार, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से लखीमपुर खीरी घटना घटी है तब से लगातार कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है सरकार को घेरने की, और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी आए इस घटना में शामिल होने के लिए, हालांकि कांग्रेस की ओर से हर वो कोशिश की गई कि इस मामले को तूल दिया जाए। अब आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वो प्रतिनिधिमंडल पहुंचेंगे, और ऐसे में इस्तीफे की मांग भी हो रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाद भी कुछ तय किया गया है कि आखिर आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इनकी ओर से? पूजा, इसमें थोड़ा सा पीछे जाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित तमाम आसपास के जो जिले हैं, आसपास के जो प्रदेश हैं उनमें चुनाव का दौर शुरू होना है, और कांग्रेस इस लखीमपुर खीरी की घटना को भुनाना चाहती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लताड़ा राजनीति करने वालों को, क्योंकि अगर कोई घटना हो गई उस घटना पर एक सिलसिला होता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कार्रवाई की है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी
और लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है, लेकिन इसका जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है उसके सीधे मायने राजनीतिक हलकों में ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को इसी के मसले पर भुनाना चाहती है और आने वाले दिनों में इसको और ज़्यादा तेज करने का, क्योंकि जिस तरीके से दौरे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेस के नेताओं ने कैंप करना शुरू कर दिया है आने वाले दिनों में, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति इंटरनल जो सूत्र बताते हैं वो कांग्रेस के रणनीतिकार इसको इस मसले को कहीं ना कहीं भुना के रखना चाहते हैं और विधानसभा के चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन, क्योंकि एक दौर तक 70 सालों तक आपने देश पर राज किया और उसके बाद जो हालात हुए हैं वो सामने। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से लगातार इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि जो यूपी सरकार है उनकी तरफ से और किसानों के बीच सहमति भी बन गई, बावजूद इसके इस मामले को तूल दिया गया, और उसके बावजूद जहां कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह आपने बताया कि इस प्रकार की पार्टियों को लताड़ा है कि ऐसे मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ऐसे में समझने की जरूरत है कि जहां इस मामले को लगातार सुलझाने की कोशिश कर रही है जो योगी सरकार है उनकी ओर से मुख्य आरोपी जो है उसको भी हिरासत में लिया गया है, बावजूद इसके राष्ट्रपति से मुलाकात और ज्ञापन सौंपना अपने आप में एक शर्मनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि 11:30 के बाद जो मुलाकात है उसके क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।